नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या सूत्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो आप जानते हैं कि हम जीएनबी के मैथ का अब हम इन लोग को 10वां चैप्टर करना है, जो कि दोस्तों अनुपात और समानुपात है। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। तो देखिए, 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात दोस्तों। तो हम देखिए प्रश्न को हल करते चलेंगे और आपको नियम भी बताते चलेंगे दोस्तों। इसमें कुछ खास चीज़ें आएंगी, जैसे कि देखिए जो 10 चैप्टर के बाद दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए, अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो देखिए हमारे मैथ में 1 से 20 चैप्टर हैं। तो देखिए 1 से जो 10 तक चैप्टर थे वो कुछ सिंपल थे, अब 10 से जो 20 तक आएंगे इसमें लिखित सवालें ज़्यादा मिलती है। ठीक है दोस्तों, लिखित सवालें ज़्यादा आती हैं, जो कि लिखित सवालें आएंगी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर समीकरण बनाएंगे तभी हल कर पाएंगे। तो अब देखिए 10वें चैप्टर से उस लिखित सवालों की शुरुआत होने वाली है। तो इसमें कुछ अभी आपको नियम मिलेंगे अनुपात और समानुपात में, ठीक है, वो नियम हम आपको प्रश्न जैसे जहाँ मिलते जाएंगे वो नियम हम आपको वहाँ बताते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए चलिए आइए अपने इस वीडियो को हम लोग कर देते हैं शुरू। और हाँ, ध्यान रहे जो बच्चे अभी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए मैंने इससे पहले CHS का एक वीडियो डाला था, तो इस मैंने CHS का अनुपात और समानुपात भी उठा के देखा और कुछ खास सवाल उसमें भी नहीं है। तो इसी के साथ आपका CHS भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये CHS वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, और JNV वालों के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सवाल को हल करते हैं, देखते हैं सवाल किस प्रकार से अनुपात में बनते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न, अब देखिए हम लोग अनुभाग फर्स्ट हल करने वाले हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग को पूरा करना है। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि सीमा, किरण एवं ऊषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है। किरण और ऊषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो सीमा की आयु कितनी है, है ना। तो आइए क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। यहाँ कह रहा है कि सीमा, किरण, ऊषा, ठीक है, कितना 2, 3 उसके बाद 4 अनुपात है। ठीक है, अनुपात। और आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि अनुपात का मतलब भाग होता है। क्या होता है? भाग। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो देखिए यहाँ सीमा, किरण, ऊषा की आयु का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अनुपात में हमेशा यक्ष मानेंगे। क्या करेंगे? यक्ष मान लेंगे। तो इसके साथ जब हम यक्ष मान लेंगे तो 2x, 3x, 4x। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन में बोला था कि किरण और ऊषा की आयु का अंतर, अगर किरण 3x साल की है और ऊषा 4x साल की है, हम बुक के क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का अंतर 5 वर्ष है। तो देखिए किरण हमारी 3x की है, ऊषा 4x की, तो यहाँ अंतर कितना आया? यक्ष आया। कितना आया? यक्ष। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ अंतर कितना आ गया हमारा? यक्ष आ गया, मतलब इन दोनों की उम्र में यक्ष का अंतर है। और किताब में कितना बोला है? 5, यानी यक्ष बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारा? 5 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे सीमा की आयु पूछा, तो सीमा की आयु कितनी है? 2x है, और यक्ष का मान कितना पता है हम लोगों को? 5, तो यानी 5×10, यानी सीमा की आयु कितनी है? 10 साल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आगे की सवालें भी करने वाले हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है, दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिए जाए। चलिए समीकरण बनाते चलते हैं। कह रहा था कि 2 संख्याएं हैं, मतलब 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 4:5 दिया है। तो हम मान लेते हैं 4x, मैंने अभी बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग, इसको हम बटे में कर दे रहे हैं, 4x/5x। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 5 घटा लीजिए, तो देखिए दोनों संख्याओं में 5 हम घटा लेते हैं,
घटाने पे जो हमारा अनुपात हो जाता है दोस्तों वो 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो अब यह इधर भी x मान लीजिए, नहीं यहाँ x मत मानिए बस इसमें, ठीक है। कितना हो जाता है 3:4, बस इतना। अब आप इस समीकरण को हल कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग त्रिज्या का गुणा कर देते हैं इसमें। तो जब इसमें ये इस 4 का इसमें गुणा होगा और इस 3 का इसमें गुणा होगा, 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 × 4 = 16 और 4×5 = 20, 3×5 = 15 और 5×3 = 15। तो अब देखिए यहाँ कितना है 16x, यहाँ 15x, और 15x इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये -15 और ये इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, यहाँ घटाएंगे तो यक्स आएगा, यहाँ घटाएंगे तो +5, क्योंकि 20 बढ़ा है तो यक्स का मान कितना आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए, ठीक है। जो संख्याएं हैं, संख्याएं हमारी उनका अनुपात क्या था, 4:5 था। तो मैंने आपको बताया था अनुपात में हम हमेशा यक्स मान लेते हैं, तो एक संख्या हमारी 4x, दूसरी संख्या हमारी 5x, तो यक्स का मान हमारा कितना आया है 5 आया है। तो 5×20 और 5×25, यानी एक संख्या हमारी कितनी थी 20 थी और दूसरी संख्या हमारी कितनी थी 25। अब इनके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो 20 का वर्ग क्या होगा और 25 का वर्ग, 20 का वर्ग 400, 25 का वर्ग 625, जोड़ देंगे तो 6×4 = 10, 25 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था, तो राम की आयु कितनी है। देखिए इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल, मतलब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर उन दोनों की आयु को जोड़ दें तो कितना साल हो जाएगा 45 साल आ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि राम प्लस श्याम इनकी जो भी आयु होगी, आयु हम लोगों को नहीं पता है, बस इतना पता है कि राम और श्याम की दोनों की मिलाकर आयु कितनी है 45 साल है। तो एक काम करते हैं, देखिए क्वेश्चन में हमसे राम की आयु पूछा है कि राम की आयु कितने वर्ष है, तो हम राम को यक्ष मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं राम की आयु यक्ष मान लेते हैं। तो श्याम की यहाँ प्लस श्याम इक्वल क्या है 45, अब ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो श्याम बराबर आ जाएगा 45 - यक्ष। श्याम की आयु कितनी आ गई 45 - यक्ष आ गई, राम की हमने माना कितना था यक्ष माना था, अब दोनों की उम्र पता चल गई। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, अब बताइए 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, अगर राम 6 साल पहले या फिर श्याम 6 साल पहले, अगर दोनों को हम 6 साल पहले ले जाएं तो क्या दोनों की आयु 6-6 साल कम हो जाएगी कि राम की कम हो जाएगी, श्याम की नहीं कम होगी, दोनों की कम होगी ना। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में 20 साल की हूँ तो मैं 6 साल पहले कितनी रही होंगी 14 साल की रही होंगी, है ना। तो वैसे ही देखिए राम और श्याम 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 6 वर्ष पूर्व यानी इसके उम्र में क्या कर दे घटा दे, तो इसमें भी घटा दीजिए, अनुपात कितना हो जाता है। देखिए कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कम से 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 5/6, क्योंकि राम का 5 बोला है और श्याम का 6। चलिए त्रिज्या का गुणा करते हैं, अब इस 6 का इसमें गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ 45 में 6 जाएगा तो 39 बचेगा, तो इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 39 - यक्स। चलिए अब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6×-6 = 36, 5 का इसमें गुणा करते हैं 5×9 = 45, 8×4 = 4, 5×15 = 4 = 19, -5 यक्स। अब देखिए इधर ये 6 यक्स है, ये 5 यक्स इधर माइनस में, इधर आके प्लस में 195, ये माइनस में इधर आके प्लस में, इसे जोड़ेंगे तो 11 यक्स, इसे जोड़ते हैं चलिए 6×5 = 11, 1 = 13, इतना आ गए। अब चलिए इसे काटते हैं, 11×2 = 22, 1 = 11, 11 यानी दोस्तों यक्स किसको माने थे हम लोग,
यक्ष हम लोग माने थे राम को, तो यानी राम कितने साल का है, 21 साल का है, कितने साल का है 21, तो श्याम कितने साल का होगा, 45 में 21 घटा दीजिए आएगा 24 साल, कितने साल का है श्याम 24 साल का। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये प्रश्न मतलब लंबा था बट समझने लायक था, तो आप थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे करके इस सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। चलिए आइए अब हम लोग अगला प्रश्न आपको हल कराते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो संख्याएँ। ये सवाल बिल्कुल ये सेकेंड नंबर सवाल के तरीके, बस यहाँ घटा रहा था यहाँ जोड़ रहा था। चलिए आइए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, अनुपात में हमेशा यक्ष मान लीजिए 2:3, यदि इसमें जोड़ दिया जाए, अनुपात का मतलब भाग होता है, तो इसको हम लोग 2x/3x भी लिख सकते हैं। दोनों संख्याओं में 9 जोड़ने की बात कही जा रही है, तब इसका अनुपात 3:4 यानी 3/4 हो जाता। चलिए तिरिया का गुणा कर देते हैं, जब आप यहाँ तिरिया का गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 8x + 4×9 = 36, आगे इक्वल 3×3 = 9x + 3×9 = 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8x ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ 27 पहले से ही है, अब ये प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 9x में 8x जाएगा, 1x बचेगा, 9 बड़ा है इसलिए यहाँ भी माइनस का सिंबल आएगा। अब देखिए 36 में से हम लोगों को 27 घटाना है, तो घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि 36 बड़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। पूछ हमसे रहा था तो संख्याएं बताइए, क्या बताना है संख्याएं, तो हमारी संख्याएं क्या थी, 2x और 3x थी, क्या थी, 2x और 3x थी। ठीक है, तो देखिए 2x, यक्स का मान कितना आया है 9 और 3x, तो यहाँ आ गया 9×18 + 3×9 = 27, यानी संख्याएं हमारी क्या होंगी 18, 27। देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आंसर है हमारा। ठीक है, उसके बाद आप पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि 30 आदमी किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए ये सवाल हम एक एक नियम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ अनुपात से करनी है, तो हम लोग अनुपात से ही करने वाले हैं। चलिए आइए इस प्रश्न को भी हल करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पांचवें नंबर जो प्रश्न है इसे अनुपात से करना है, तो देखिए अनुपात से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, देखिए यक्स अनुपाते वाई समानुपाते, ये समानुपात का सिंबल है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप ए अनुपाते बी। इसमें थोड़ा सा आपको हम बताना चाह रहेंगे कि दोस्तों जो पहले का संबंध जो होता है वो चौथे के साथ होता है और दूसरे का संबंध तीसरे के साथ होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रश्न आपको देखिए, प्रश्न में आपसे कह रहा था कि 30 आदमी किसी कार्य को 60 दिन में, ठीक है, देखिए 30 आदमी किसी कार्य को 60 दिन में, तो देखिए हमारे पास 30 आदमी थे, 60 दिन में कार्य हो रहा था, ठीक है, उसके बाद 20 आदमी हो गए, तो बताइए कितने दिन में कार्य होगा, तो यहाँ हमें बताना है कार्य, मैंने मान लिया यक्स। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो इन दोनों के बीच के अनुपात का बराबर है, इस बात का, इस ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसका तात्पर्य बस इतना ही है कि इन दोनों का जो अनुपात होगा और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए आदमी आदमी आप यहाँ ऐसे रखिए 30:20, और अब देखिए हमें क्या रखना है, वर्क रखना है, तो हम जानते हैं इसका संबंध इसके साथ होगा, मतलब पहले वाले का संबंध किसके साथ होता है, चौथे के साथ, तो यहाँ हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ समानुपात रहे। थोड़ा सा आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए, अनुपात से ये सब सवाल करने बहुत कठिन पड़ जाती है, ठीक है। देखिए 30 आदमी 60 दिन में कर रहे थे, तो अगर हम 30 को पहले रख देते हैं, क्या कर देते हैं, 30 को पहले रख देंगे, तो हम जानते हैं कि पहले का संबंध हम लोग चौथे के साथ बनाएंगे, तो इसलिए इस 30 आदमी 60 दिन में कर रहे थे, 20 आदमी का कार्य हमें पता ही नहीं, तो आप रख लीजिए। अब देखिए रियलिटी में जो मैंने अभी बताया, क्या
पहले का संबंध चौथे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, तो अब गुणा होगा। देखिए पहले का चौथे के साथ गुणा होगा, समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो अब यहाँ बराबर आ जाएगी, और 20 का यक्ष के साथ गुणा होगा। तो अब इसे हम काटेंगे, 20 दिए या 60 और 3 त्रिका 9, पीछे एक 0, यक्ष का मान कितना आ गया 90, यानी अब वो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 90 दिन में करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अनुपात से अभी देखिए सवाल थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ रही है, लेकिन आगे समझ में आ जाएगी। अभी जब एक दो सवाल आएगी ना तो पक्का आ जाएगी। उसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न, छठा नंबर क्वेश्चन, एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:3 का अनुपात हो, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित थी। क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, अनुपात 4:3 है, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित थी। देखिए टोटल जो पार्टी हुई उसमें पुरुष और महिलाएं गए थे, टोटल यदि उन सबको गिना गया तो पता चला कि टोटल 42 पुरुष और महिलाएं हैं, लेकिन जब अनुपात बताया गया तो अनुपात ये बताया गया कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं ना, है ना। देखिए कुल तो 42 लोग गए थे, लेकिन फिर अगर ऐसे बात किया गया तो पुरुष और महिला, 4 पुरुष 3 महिला अनुपात है, तो यानी 4x और यहाँ 3x, 4 आदमी गए थे, 3 महिलाएं गई थी, तो आप देखिए टोटल कितने गए थे 42, तो यहाँ जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो टोटल ही आएगा, तो 4x प्लस 3x इक्वल 42, जोड़ेंगे इसको 7x इक्वल 42, इसे काट देंगे 6 6 आ जाएगा यक्ष का मान। हमसे पूछ रहा था कि कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई, तो महिलाओं की संख्या कितनी 3x, यक्ष का मान कितना आया है 6 6 3 18 महिलाएं इस पार्टी में आई थी, घटा दीजिए 42 में पुरुषों की संख्या आ जाएगी, नहीं 4 में 6 का गुणा कर दीजिए पुरुषों की संख्या, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन की 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटना है। देखिए 1000 रुपये है, उसे 7:3 के अनुपात में बांटना है, ऐसा बांटिए कि जो अनुपात आए उन रुपयों का वो 7:3 आए। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या करिए, 1000 टोटल रुपये है, अगर देखा जाए तो कुल योग कितना होगा, अनुपातिक योग कितना आएगा, 7 + 3 मिला के 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, है ना। इसको हम लोग जब अनुपात को जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग अनुपातिक योग कहते हैं, पातिक योग कहते हैं, तो अनुपातिक योग यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 1000 में ही बांटना है, पहले हम 7 वाले का निकालते हैं, तो जब 7 को ऊपर रख दीजिए और कुल को हमेशा नीचे रखिए, कुल कितना जोड़े थे हम लोग 10 ना, तो अब 1 0 से 1 0 काट देंगे कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। अब 3 वाले का निकाल लीजिए, फिर बटे में 10 ही रखेंगे, ये इसका कितना आ गया 300, बांट दिए ऐसा बांट दिए कि किसके किस अनुपात में बांट दिए 7:3 के, या तो फिर देखिए आप 1000 रुपये बांटना था हमें, वो भी 7:3 के अनुपात में बांटना था, तो 1000 इन दोनों में पूरा पूरा बांटना है ना, तो यानी ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, इन दोनों को यदि रुपया मिला देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो आप ऐसे रख दीजिए 7x + 3x इक्वल 1000, यक्स हमने बताया था अनुपात में मान लेते, तो यहाँ आएगा 10x इक्वल 1000, तो यहाँ यक्स का मान कितना आ गया 100, संख्याएँ हम क्या माने थे, 1 7x थी हमारी, 1 3x थी, तो यक्स का मान कितना आया है 100 आया है, तो एक संख्या हमारी 700 हो जाएगी, दूसरी हमारी 300 हो जाएगी। हमें बोला था कि 7:3 के अनुपात में बांटिए, हमने बांट दिया। अब देखिए अगर अब हमें इसे फिर 7:3 के अनुपात में लाना हो, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, फिर से आ गया 7:3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं।
आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि रवि और साहू की मासिक आय 6,000 तथा 7,000 है तो दोनों की आयु का अनुपात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कह रहा था एक रवि नाम का लड़का है और एक साहू है, ठीक है। इसकी जो आय है, मतलब दोस्तों वेतन जिसको हम लोग कहते हैं, वो 6,000 है। कितनी है? 6,000। और जो साहू की है वो 7,000। हमसे अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो देखिए 6,000 अनुपाते 7,000, यही इनका अनुपात है। अगर कट सके तो काट दीजिए, नहीं यही इनका अनुपात हो जाएगा। कट रहा है ना, तो देखिए 3-0 इधर, 3-0 इधर, यानी इनका अनुपात क्या होगा? 6:7। देख लीजिए थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 200 रुपये को 8:7:5 के अनुपात में बांटिए। एकदम जस्ट इसी के तरीके हैं। देखिए मेरे पास 200 रुपये है, उसको हमें 8:7:5 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। एक प्रकार से आप समझिए तो तीन लोगों में डिवाइड करना है। एक को 8 देना है, एक को 7 देना है, एक को 5 देना है, ठीक है। यक्ष, यक्ष सब में यक्ष मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमने बताया था कि 200 रुपये मेरे पास है और इन तीनों में डिवाइड होगा। अगर इन तीनों के फिर राशि को मिला देंगे तो फिर 200 आ जाएगा ना। तो 8x + 7x + 5x = 200, इसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 8, 7, 15, 5, 20x = क्या आएगा? 200। काटेंगे तो यहाँ आने वाला है 10। यक्ष का मान कितना आ गया? 10। अब चलिए यहाँ रखेंगे यक्ष का मान 10 तो कितना आएगा? 80 आएगा। यहाँ रखेंगे तो 70 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 50 हो गया डिवाइड। यानी एक को 80 मिलेगा, एक को 70 मिलेगा, एक को 50 मिलेगा। हमें बांटना था 8:7:5 के अनुपात में, बट गया। दिस वेरी सिंपल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10, 20 तथा 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए जो मैंने अभी वहाँ ऊपर लिखा था, फिर से मैं यहाँ उसको रिपीट कर रही हूँ। देखिए यक्ष अनुपाते वाई समानुपात ए अनुपात बी, ये लिखा था। ये प्रथमानुपात है, इसे हम लोग प्रथमानुपात कहते हैं, इसे द्वितीयानुपात कहते हैं, इसे तृतीयानुपात कहते हैं, इसे चतुर्थानुपात कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, प्रथमानुपात, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थानुपात, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन था, इसमें 10वां नंबर में हमसे चतुर्थानुपात पूछा था, यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय दिया है, 10, 20, 30 दिया है। कितना दिया है? 10:20 समानुपाते 30 चतुर्था हमसे पूछा है, इसको हम यक्ष मान ले। तो हम जानते हैं पहले का संबंध चौथे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, तो 10 का यक्ष में गुणा करेंगे और 20 का 30 में गुणा होगा। तो यहाँ काट देंगे 10 × 20, यक्ष का मान हमारा आ गया 60 हो गया। चतुर्थानुपात पता चल गया कितना है? 60। चलिए आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ हमारा है कि 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात होगा। 5 रुपये 50 पैसे, ठीक है, इसका हमें अनुपात बताना है। तो अब देखिए पहले हम लोग रुपए को पैसे में चेंज करेंगे, क्योंकि यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो जब 1 रुपये में 100 पैसा तो 5 रुपये में 500 पैसा। अब इधर भी पैसा, इधर भी पैसा, अब इसका हम लोग अनुपात बता सकते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 × 5 = 50, यानी 10:1 होगा, ठीक है। देखिए जो अनुपात है फ्रेंड्स, जो अनुपात होता है उसे आप लोग तब तक मतलब डिवाइड कर सकते हैं जब तक वो एकदम छोटा ना हो जाए। मतलब आप एक प्रकार से उसको सरल अनुपात में आंसर बताइए, ठीक है। सरल अनुपात क्या होता है? तो सरल अनुपात वो अनुपात का वह रूप है दोस्तों जिसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे शुरू में हम लोग लिखे थे 500:50, 500:50 ये सरल अनुपात नहीं है, इसको अभी हम और काट के छोटा कर सकते हैं। तो काट दीजिए 50 दशांश में इतना होगा, तो 10:1 ये सरल अनुपात है, ठीक है। आप अनुपात को काट सकते हैं एक संख्या से ही, जैसे हम लोग काटते हैं, ठीक है। अब देखिए उपस यही हमारा अनुपात हो गया 10:1। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या था, अगला प्रश्न हमारा ये, यदि 10, 20, 30, 40 का समानुपात बनाते हो तो यक्ष का मान। देखिए
10, 20, यक्स 40 का समानुपात बनाना है। क्या करना है? समानुपात बनाना है। तो वही देखिए, 10 अनुपात 20 समानुपात यक्स अनुपात 40 बन गया। पहले का संबंध चौथे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ। तो 20 गुणे 40 समानुपात बराबर 20 गुणे यक्स। 20 से 20 काट देंगे, यक्स का मान कितना आ जाएगा? 40। देखिए, हमसे यक्स का वैल्यू पूछा था, यक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 40। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यदि 20 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक मकान को 30 दिनों में बनाते हैं, तो कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिनों में बना सकेंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी आइए आपको हल करा देते हैं। देखिए, कह रहा था 20 मजदूर, जब 20 मजदूर रहते हैं तो 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और जब 30 मजदूर हो जाते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं, कोई काम है, ठीक है, और जब उसके बाद कह रहे हैं कि काम करके उस मकान को 15 दिन में बना सकते हैं, तो हमसे पूछा क्या है? कितने मजदूर? ये गलत हो गया, रुक जाइए थोड़ा। अब देखिए, 20 मजदूर 10 घंटे 30 दिन काम करते हैं, तो यहाँ हमसे बोला था कितने मजदूर 8 घंटे काम करेंगे और 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसको यदि आप करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप देखिए, इस मजदूरों की संख्या को हम यहाँ यक्स मान लेते हैं। अब आप इन तीनों का गुणा कर दीजिए, उसके इक्वल पे इन तीनों का मल्टीप्लाई रख दीजिए। चलिए, यहाँ हम लोग काटते हैं, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 50। यानी दोस्तों, कितने मजदूर लगेंगे अभी? 50 मजदूर, ठीक है। तो देखिए, ये अनुपात के तरीके से था, ये अनुपात के तरीके वाला सवाल बहुत कठिन पड़ जाता है, ठीक है। अगर देखिए, इसको मैं एक एक नियम से आप लोगों को बताऊँ, एक एक नियम से कैसे करते हैं। तो देखिए, एक एक नियम में एक फार्मूला होता है दोस्तों, MDH बटे में W इक्वल फिर MDH बटे में W। बस यहाँ M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2 होता है, ठीक है। देखिए, यम का मतलब मैन या फिर वूमेन होता है, इसका मतलब डे, इसका मतलब हावर, इसका मतलब वर्क होता है, ठीक है, वही इधर भी होगा। तो देखिए, 20 मजदूर यानी मैन या फिर वूमेन कितने? 20 हैं। कितने दिन ले रहे थे? 30 दिन। कितने घंटे काम कर रहे थे? 10। वर्क कितना कर रहे थे? एक काम। काम की संख्या नहीं बताया, इसलिए एक काम कर रहे थे। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि कितने मजदूर यानी मजदूरों की संख्या यानी यम टू हमें नहीं पता। 8 घंटे काम करेंगे, 15 दिन में कर देंगे, और काम की संख्या एक ही रहेगी। तो अब इसे हल कर लीजिए। तो यहाँ काट देंगे, 15 दूनी 30, 2 चौके 8, और 4 पंजे 20, 50। ये यम टू यहाँ कितना आ गया, यानी कितने मजदूर लगने पड़ेंगे? 50 मजदूर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अनुपात से भी यहाँ किए थे। अनुपात वाली सवाल थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि चार तथा 8 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। दोस्तों, अब हमें तृतीय अनुपाती जो मैंने यहाँ लिखा था कुछ इस प्रकार का, ये हमारा तृतीय अनुपाती था। हमें दिया है 4 तथा 8 का तृतीय अनुपाती। तो देखिए, जब तृतीय अनुपाती पूछता है तो द्वितीय अनुपाती को एक बार यहाँ रिपीट कर देते हैं तृतीय अनुपाती के स्थान पे, और चतुर्था पे यक्स मानते हैं। अब तो ये चतुर्था अनुपात बन गया, लेकिन नियम यही है कि जब हमसे किसी किन्हीं दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती पूछे, तो आप जो द्वितीय अनुपाती पे जो संख्या होगी उसे तृतीय अनुपात पे रिपीट करके चौथे पे यक्स मान लीजिए। चलिए, फिर वही संबंध, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 16 आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, आपके ऑप्शन में पहला ही नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों में अनुपात 5:3 है। यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:3 है। यानी 5 अगर लड़के हैं कक्षा में
तो 3 लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या हमसे 24 कह रहा है। कितना कह रहा है? 24। तो यहाँ पहले आप x मान लीजिए, तो अब सही हो गए। लड़कियों की संख्या 24 कह रहा है और लड़कियों की संख्या मुझे 3x पता है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 3 × 8 = 24, यक्ष का मान कितना आ गया? 8। हमसे बॉयज़ की संख्या पूछ रहा था, तो बॉयज़ की संख्या कितनी थी? 5x। यक्ष का मान कितना आया? 8। तो 5 × 8 = 40, यानी लड़कों की संख्या क्लास में कितनी होगी? 40। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए, मयंक प्रति माह 2600 रुपये कमाता है और 2000 खर्च करता है। आमदनी और खर्च में अनुपात, मयंक को छोड़िए, मान लीजिए हम 2600 रुपये प्रति माह कमाते हैं, 2000 खर्च कर देते हैं, ये हमारी आय है, ठीक है, और ये हमारा खर्च है। क्या है? खर्च है। हमसे पूछा क्या है? आमदनी और खर्च में अनुपात। तो देखिए, ये हमारी आमदनी थी, ये हमारा खर्च था, इसी में हमसे अनुपात पूछा था। देखिए, 2 0 से 2 0 काट दिए, मैंने आपको बताया था इसको हम लोग सरल अनुपात में कर देंगे, 10 अनुपात 10, ठीक है। देख लीजिए, ये भी दिया है, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा? 13 अनुपात 10 होगा। आगे पीछे नहीं करना है हमें। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 64 तथा 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी? तो देखिए, जब भी आपसे कभी मध्य अनुपाती पूछे, क्या पूछे? मध्यानुपाती। तो दोस्तों, मध्यानुपाती का फार्मूला होता है रूट में एक्स वाई, ठीक है, क्या होता है? रूट में एक्स वाई। तो यहाँ देखिए, रूट यक्स मान लीजिए, पहली संख्या को यक्स मानिए, दूसरी को वाई मानिए। तो पहला हमें इस क्वेश्चन में 64 दिया है, दूसरा 225 दिया। अब बताइए, ये 64 किसका वर्ग है? तो 8 का वर्ग है। किसका है? 8 का। और 225 15 का वर्ग है। अब वर्ग से रूट दोनों की कट जाएगी, तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 15, 15 × 8 = 120 हमारा राइट आंसर होगा। ये देख लीजिए चौथा नंबर, ठीक है। अब देखिए, उस अगला क्वेश्चन देखिए, 50 तथा यक्स, 150 तो यक्स का मान निकालिए। देखिए, 50 अनुपात 100 समानुपाती यक्स अनुपात ये, यही हमें बताना है। एक जीरो से एक जीरो, 15 × 25 = 75। यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों? 75 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a = b = 6/7 b = c = 3/4, तो a = b = c का अनुपात बताइए। देखिए, हमें दिया है दो चीज़, हमें पता है a = b = पता है 6/7, और b = c = पता है 3/4, ठीक है। देखिए, a = b = कितना पता है? 6/7। b = c = कितना पता है? 3/4। हमें बताना है a = b = c = क्या आएगा। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे करते हैं, तो a = b = देखिए, a और b कितना पता है? 6/7 है। उसके बाद देखिए, b = c, तो यानी b = c, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ हम अगर इसका मान रखते हैं तो क्या मान रखेंगे? 6/7। b के दो मान दिए हैं, एक तो 7 है और एक 3 है, तो हम लोग 7 के नीचे ही जस्ट 3 रखेंगे। b के मान देखिए, एक तो ये 7 है और एक ये क्या है हमारा? 3 है, तो इसके नीचे रखिए। अब ठीक है, ऐसे कुछ दिखेगा ना। तो अब जो साइड की संख्या छूट जा रही है, ये इधर छूट रही है ना फ्रेंड्स, तो देखिए, ये a का हो जाएगा, ये b का हो जाएगा, ये c का हो जाएगा, ये a का दिया था, ये दोनों b का दिया था, और ये c के। अब जो साइड में बॉक्स बच रहे हैं, बगल वाली संख्या को बढ़ा दीजिए, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। अब गुणा कर दीजिए, 4 × 7 = 28, 7 × 3 = 21, 6 × 3 = 18, यही अनुपात हो जाएगा ए बी सी का, ठीक है। देख लीजिए, फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उनका योग 630 है, तो छोटी संख्या बताना है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, इनका योग दिया है 630, तो हम पहले इसमें मान लेंगे x। अब इसका योग हमें कितना दिया है, 630, तो चलिए जोड़ के इक्वल 630, यहाँ आएगा 10x इक्वल 630, ये कटा, ये x इक्वल आ गया 63। पूछ हमसे रहा गया था क्या, छोटी संख्या। अब बताइए 7x छोटा कि 3x, 3x छोटा है, तो 3x में x का मान क्या आ गया, 63, 3 × 9 = 18, 189 आएगा। ठीक है, देख लीजिए सेकंड नंबर ऑप्शन। उसके बाद 21वीं नंबर प्रश्न देखिए, ये मिश्र अनुपात है। देखिए मिश्र अनुपात को कैसे हल करते हैं दोस्तों, देखिए दिया हुआ है 2:3, 5:6, 8:9। देखिए मिश्र अनुपात को हल करने के लिए दोस्तों, देखिए अगर इस एक अनुपात की बात करूँ तो ये प्रथमा अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, अगर इसमें भी ऐसे ये प्रथमा ये द्वितीय, ये प्रथमा ये द्वितीय, एक प्रकार से कहें तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या ना, तो सब अनुपात की पहली संख्या गुणा कर लीजिए, यानी 2×5 सब अनुपात की पहली संख्या का बस खाली, उसके बाद बराबर का सिंबल लगाइए और सब अनुपात के सब संख्या के दूसरे अनुपात में गुणा कर दीजिए, बस इसी को इसको हम लोग अब हल कर लेते हैं। जो कटे काट दीजिए, नहीं तो यहाँ अनुपात लगा के यही हमारा आंसर कर दीजिएगा। कट रहा है कुछ, देखिए हाँ ये 2/3 छः, अब कुछ नहीं कचेगा, 5×8=40, 3×9=81, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो ध्यान रहे जब भी आपसे मिश्र अनुपात पूछे तो जो भी संख्याओं के अनुपात दिए रहे सब में पहले अनुपात का गुणा करा दीजिएगा, अनुपात लगा के फिर दूसरे अनुपात का, वही काट पीट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें हमसे चतुर्थ अनुपात बताना है, 5:25 = 15x। पहले का संबंध चौथे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, 5×25, अब 15×75, यानी चौथे पे क्या आएगा दोस्तों, 75 आएगा। अब उसके बाद देखिए, 7 सेब और 4 संतरों की कीमत उतनी है जितनी कि 5 सेब और 9 संतरों की है, 1 सेब व 1 संतरे की कीमत में अनुपात है, 1 सेब व 1 संतरे की कीमत में अनुपात है। तो देखिए हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ ऐसे लिखिए, माना एक सेब का मूल्य ₹1 और 1 संतरे का मूल्य ₹2। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए इतना मान लिए। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि 7 सेब और 4 संतरों की कीमत उतनी ही है जितनी कि 7 सेब 4 संतरे की कीमत उतनी ही है जितनी कि 5 सेब और 9 संतरों की है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला था कि इन दोनों की जो कीमत है मिला के वो इन दोनों की कीमत के बराबर है। तो अब बताइए सेब को हमने क्या माना है, यक्स, यानी 7x प्लस संतरे को क्या माना है, वाई, और फिर यहाँ भी ऐसे कर लीजिए। आई होप कि आप ये कहाँ से बना समझ में आ गया होगा। मैंने प्लस का सिंबल लगा के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों का मूल्य जितना है वह इतना ही मूल्य उन दोनों का भी है। अगर मान लीजिए एक पेन एक पेंसिल मिला के ₹10 बन रहा है ना, और फिर एक कटर और एक, फिर उसके बाद नहीं ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, अगर एक पेन एक पेंसिल मिला के ₹10 बन रहा है, क्या बन रहा है, ₹10 बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर करते हैं कि 2 पेन तथा 3 पेंसिल मिला के भी ₹10 बन रहा है, तो इन दोनों पेनों पेंसिलों का मूल और यहाँ जो होगा दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह, इनके बीच प्लस का चिन्ह लगा के दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब हल करते हैं, देखिए यहाँ 7x है, ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ 9y, ये प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 5y। अब देखिए x यहाँ y वहाँ,
तो वाई यहाँ गुणे में है तो हम इसको यहाँ बुला लेंगे, तो ये गुणे में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, और दो इसके साथ गुणे में है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो यक्स अनुपाते वाई बराबर 5:2, हमसे एक का पूछ रहा था, हमने एक संतरे का दाम यक्स माना था, एक सेब का दाम यक्स माना था और एक संतरे का वाई माना था। तो देख लीजिए 5:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप पीछे करके एक बार फिर से देखिए। देखिए उसके बाद फिर दो ए अनुपाते बी इक्वल 4:5, बी अनुपाते सी इक्वल 5:7, ए अनुपाते सी इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ए अनुपाते बी दिया है, फिर बी अनुपाते सी बोला है, तो बी वाला बी के नीचे मैंने बताया था इधर का बॉक्स खाली, इधर का बॉक्स खाली। अब बताइए ए, अब ये तो ऐसे लिख लिया, अब अनुपात से लिखते हैं कि ए के अनुपात बी का अनुपात 4:5 दिया था, फिर बी का भी बी का 2:1 एक बार फिर 5 दिया है, तो फिर यहाँ 5:7 बगल का जो जगह खाली है बगल वाली संख्या ही बढ़ाएंगे। तो 5 × 7 = 35, 5 × 25 = 4 × 20, ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो अब देखिए हमें ए सी का बताना है, तो ए का कितना है 20, बी का सी का कितना है 35, तो ए अनुपाते सी बराबर 20:35। देख लीजिए अब पर भी आंसर नहीं आ रहा है तो इसको काट दीजिए, 5 × 20, 5 × 7 = 35, 4:7, फोर्थ नंबर आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये आपके अनुभाग फर्स्ट की सारी सवालें हो गई ख़त्म, ख़त्म मतलब कि हम लोगों ने सारी सवालों को बहुत अच्छी तरीके से हल कर लिया है। आप इसे फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 10 के बाद जो भी चैप्टर हैं सब में लिखित सवालें हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये सवालों देख लीजिए, अनुभाग सेकेंड की आप लगा लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ये सवाल है, उसके बाद उधर की मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, दोस्तों अब आप इतने में हल कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि और भी जो मैं आगे की सीरीज़ इसके अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया आप बिल्कुल वैसे ही हल करिए, पेपर में कोई भी एक प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, जितना बताए हैं उतना प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए 24 सवाले मैंने कराई है, यही 24 सवाले सेम अगले अनुभाग में 25 सवाले हैं। ठीक है, एकदम सेम जैसे 24 सवाले इसमें बताइए एकदम सेम अगले अनुभाग में भी है, यानी मतलब अभ्यास प्रश्नावली में भी है। ठीक है, एकदम आप ऐसे ही हल कर लीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मांगता है। ठीक है, जितनी हो सके उतनी करिए। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट के लेकर। ध्यान रहे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए अभी के लिए चलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।